हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित और स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बिजनेस सेंटर में। तो आज का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बताने वाला हूँ कि अगर आप सेमेस्टर 6 में चले गए हैं 5 से, ठीक है, आपका ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस है, तो आप सभी को पता है कि मैं पिछले बार से आप सभी का तैयारी करवाते आ रहा हूँ। तो हम कौन सा चीज़ें तैयारी करवाएंगे वही चीज़ आपको चुनना है, ठीक है। तो वही मैं कंप्लीट करना चाहता हूँ कि DSC पेपर में आपको क्या चुनना है, क्योंकि पिछले बार बहुत सारे स्टूडेंट लोगों ने गलत चुन लिया था और फिर बाद में पछता रहा था और बोला था कि सर मैंने गलती से ये चीज़ें चुन ली है, हमको ये नहीं चुनना चाहिए था। तो अगले बार वो मिस्टेक आपको नहीं करना। और मैं कौन सा DSC पेपर में आपको तैयारी कराने वाला हूँ वो मैं कंप्लीट बता रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग देख लें, सेमेस्टर 6 में आप लोगों का कोर 13 रहता है, कोर 14, इसमें सबका सेम रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जो DSC पेपर 3 है और DSC पेपर 4 है, उसमें दो दो सेक्शन में बटा रहता है। जैसे DSC पेपर 3 आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, सेक्शन ये बटा हुआ है, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं DSC पॉलिटिकल साइंस, DSC पेपर 3B है। तो स्टूडेंट के पास ये ऑप्शन होता है जिस टाइम आप लोग फॉर्म भरोगे कि आप पॉलिटिकल साइंस DSC 3 का A चुनना चाहते हो या आप B चुनना चाहते हो, जिसमें से आप लोग देख सकते हैं A का जो नाम है वो इंडियन फॉरेन पॉलिसी है और DSC 3B में आप लोग का क्या है, पार्टी सिस्टम इन इंडिया, ठीक है। तो आप लोग दोनों में से कौन सा चुनना चाहते हो, आपके पास ऑप्शन होता है। देन इसी प्रकार से अगर बात करें पॉलिटिकल साइंस DSC 4A में, तो यहाँ पे है फॉरेन पॉलिसी ऑफ मेजर पावर्स 21st सेंचुरी, ये है। या तो फिर DSC 4 में अगर आप B चुनना चाहते हो तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं पॉलिटिकल साइंस DSC 4 का B आप लोग का है फेडरलिज्म इन इंडिया, इसमें से आप क्या चुनना चाहते हो, ठीक है। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन दिया जा रहता है, ठीक है। तो चलिए फाइनली आप लोग यहाँ पे देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देखिए कि आप लोगों को चुनना क्या है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अगर आप चाहोगे पॉलिटिकल साइंस DSC 3 का A चुने, अदर फिर कोई स्टूडेंट्स ये चाहता है कि पॉलिटिकल साइंस DSC 3 का B चुने, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन क्या है मैं आपको बताता हूँ, हर एक कॉलेज में ये ऑप्शन नहीं दिया जाता स्टूडेंट्स को कि वो अपने मर्जी से चुने। स्टूडेंट्स ने पहले से फिक्स कर रखा होता है कि आपको ये चुनना है कि B चुनना है। तो अगर आपके कॉलेज में ये ऑप्शन दिया गया है कि आप अपने मर्जी के अनुसार से चुन सकते हैं, क्योंकि कॉलेज में अलग अलग प्रकार का रहता है, कुछ ऐसे कॉलेज होते हैं जहाँ पे अपने से चुनना पड़ता है और कुछ ऐसे कॉलेज होते हैं जहाँ पे जो कॉलेज कहेगा वही चुनना पड़ता है। तो अगर आपके भी कॉलेज में अपने चॉइस के अकॉर्डिंग चुनना होता है, अगर आप खुद से चुनाव करते हैं, आपके कॉलेज में ऐसा सिस्टम है कि आप जो मर्जी चुन सकते हो, तो आप लोग हमेशा प्रयास करना पॉलिटिकल साइंस DSC 3 का A चुनना है। मैं A का तैयारी करवाऊँगा पूरा, ठीक है, मेरे बातों को पहले बढ़िया समझें। हम A का तैयारी फुल करवाएंगे, तो आपको प्रयास करना है कि पॉलिटिकल साइंस DSC 3 का A चुने। अपना पहले कॉलेज से पता कर लेना, अब ये नहीं कि आपका कॉलेज में आपके चॉइस का चुनने का सिस्टम ही नहीं और आप खुद से चुन लिए फॉर्म भरते वक्त, ठीक है। तो अपना कॉलेज से पता करना है। तो अगर आप पॉलिटिकल साइंस DSC 3 का A चुनते हैं तो बेस्ट है, आप सभी का मैं तैयारी करवा दूंगा, ठीक है। लेकिन मान लो कि आपके कॉलेज ने अपने ये ऑप्शन ही नहीं दे रखा है कि आप लोग ये चुनोगे, अगर कॉलेज कहते नहीं आपको B ही चुनना है क्योंकि आपका सिस्टम यही है, तो आपको मजबूरन में B ही चुनना पड़ेगा, तो भी मैं इसका तैयारी करवा दूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, हम ये गारंटी नहीं देते कि इसका तैयारी मैं करवा ही दूंगा, कन्फर्म नहीं बोल सकता हूँ, टाइम मिलेगा तो करवा दूंगा, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर बता दूंगा, ठीक है। देन सेम कंडीशन इसमें से कि अगर आपका कॉलेज में चॉइस है कि आपने मर्जी से चुन सकते हो, तो आप लोग DSC 4A चुनोगे, ठीक है, A का तैयारी फुल करवाएंगे। लेकिन अगर आप कॉलेज में ऑप्शन नहीं है तो आप B भी चुनोगे, तो भी मैं तैयारी करवा दूंगा, टाइम रह जाएगा तो, ठीक है। मतलब जिस बार मैंने पिछले बार जिस टाइप से सभी लोगों को सपोर्ट किया था वैसे कर देंगे जो अलग सब्जेक्ट के हैं, बाकी जो वह A चुने हैं DSC 3 का A और DSC 4 का भी A, उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं करवा दूंगा। तो फॉर्म भरते वक्त आपको गलती नहीं करना है, ठीक है। अपना सब्जेक्ट देख लें, यहाँ पे पॉलिटिकल DSC 4 में A में क्या लिखा हुआ है, सो वही चीज़ आपको वहाँ पे ऑप्शन में डालना है, ठीक है। हाँ, तो फिर अगर आप DSC 4 में B डालना चाहते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं सब्जेक्ट का नाम क्या लिखा हुआ वही आपको डालना है, ठीक है। देन इसी प्रकार से आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं नेम DSC 3A का नाम क्या है सो और DSC 3B का नाम क्या है सो। तो इस प्रकार से आपको चुनाव करना है, प्रयास करना है, DSC 3 और DSC 4 दोनों में आपको A चुनना है, ठीक है। और जो बुक भी आपका मिलेगा ना वो ये का ही मिलेगा मार्केट में शायद, मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है, बट कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने मर्जी के अनुसार से चुन सकते हैं। लेकिन मैंने आपको बता दी कि अगर आप कौन सा सब्जेक्ट चुनते हो ताकि हमारे चैनल से आपको प्रॉफिट मिल सके, बस यही सब बताना था। बाकी कोई दिक्कत होता तो व्हाट्सएप में पूछ सकते हो और कॉल करके भी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जब लेकिन एक बार फिर से जब फॉर्म भरने का दिन आएगा उस टाइम भी मैं आपको क्लियरली से बता दूंगा कि आपको कैसे क्या चुनाव करना है, क्योंकि एग्जामिनेशन फॉर्म मैं खुद भरवाऊंगा।